चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। आसिम रियाज बिग बॉस 13 के बाद जब आसिम रियाज घर के बाहर आए हैं तो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान थे, उसमें से सॉन्ग्स हैं, उसमें से मूवीज़ हैं, उसमें से लाइव शोज हैं और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन दो सॉन्ग्स रिलीज़ हो चुके हैं बिग बॉस से जैसे ही बाहर आए। तो आसिम रियाज का पहला सॉन्ग टी सीरीज़ पर रिलीज़ हुआ जिसको आवाज़ दी थी नेहा कक्कड़ ने, जिसमें अपनी आवाज़ दी थी और साथ ही साथ इसमें जैकलिन फर्नांडिस भी हमें देखने को मिली थी। इसका नाम था मेरे अंगने में। और उसके बाद तुरंत बाद आसिम का दूसरा सॉन्ग आया जो कि हिमांशु खुराना के साथ था, जिसमें अपनी आवाज़ दी थी नेहा कक्कड़ ने। और अगर इस सॉन्ग की बात करूँ तो इसका नाम था कल्ला सोना नहीं। तो ये दोनों सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है कल्ला सोना नहीं ने, वो भी मेरे अंगने में। जहाँ दोस्तों मेरे अंगने में पहले रिलीज़ हो गया था, उसमें फ़ैंस को कुछ वो खास पसंद नहीं आया क्योंकि आसिम रियाज का जो स्क्रीन स्पेस था उतना ज़्यादा नहीं था। अब मैं बता दूँ कि कल्ला सोना नहीं है ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले मैं आपको बता दूँ क्या रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1,23,000 कमेंट्स हैं, वो भी मेरे अंगने में सॉन्ग के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ कल्ला सोना नहीं जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ था, उस पर अगर आप देखें तो 2,50,000 से ज़्यादा कमेंट है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे होंगे कि पीछे छोड़ दिया है टी सीरीज़ के सॉन्ग यानी कि मेरे अंगने में, और वो भी कल्ला सोना नहीं सॉन्ग ने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको देख के तो कमेंट सेक्शन को देख के तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल्ला सोना नहीं सॉन्ग फैंस को, आसिम के फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया है अगर हम कंपेयर करें जैकलिन और आसिम के सॉन्ग यानी कि मेरे अंगने में। वैसे आपको कौन सा सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें। हालांकि दोनों 50 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। धन्यवाद।